हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज मैंने ना ब्लैक कंक्रीट की क्रमलिंग की है, अभी भी मैं करके हटी हूँ। मैंने सोचा मैं इधर ही पहले व्लॉग में इसकी भी क्रमलिंग, एक तो हमेशा ये बढ़ जाए ज़ुबान फिसल जाती है, क्रमलिंग निकलता है, क्रमलिंग कर लें। ये तो थोड़ी डैम शेप सी बची है, वो वाली फुल ड्राई थी जिनकी मैंने वीडियो बनाई है, बीच में एक फुल डैम थी। ये पता नहीं क्या चक्कर है, सारी सूखी होती हैं और एक फुल डैम थी बीच में। वो शेप रिकॉर्ड करते करते ना मुझे ऐसा वो कहा जहन में आई, अंधों में काना राजा, सारी ड्राई और वो एक भी अलग। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने ये टेक्सचर क्रम्बल किया। हेयर कंक्रीट कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई है, ये ज्यादा ही टेक्सचर हो गया, ख़त्म ही नहीं था हो रहा, और मुझे हार्ड भी लग रहा थोड़ा। इसकी सैंड पुरानी हो गई है शायद, या सैंड ज़्यादा हो गई है बीच में, इसमें से थोड़ी सी सैंड निकाल दो। कब हार्ड है, कोई नहीं हार्ड है, वो फिर पकड़े ही नहीं जाते, अब सैंड पुरानी हो गई है पकड़े जाएंगे। जब सर्फ डाल तुमने फिर कैसे ये पकड़ा, वो सर्फ सारे टेक्सचर ही ना ऐसे लुच लुच वाले कर देते हैं, बाल था नीचे गिर गया। चलो जो करना था और चला दो मोटर, चलानी नहीं था जो चला दो, चलाओ फिर, 7 बज गए हैं, मैं नहीं पढ़नी था। मैं आपको बाकी वेट दिखाती हूँ, कौन सी वीडियो बनाई है, एक सेकेंड। शेप्स मैंने ज़्यादा नहीं रखी हुई है क्योंकि टेक्सचर कम होता है, फिर जो है ना वीडियो छोटी बनती है। ये सैंड, ओहो सैंड नहीं है, मिक्स सीमेंट है दोनों, इसमें क्या डस्ट थी, हाय 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 मज़ा ही आ गया, उतनी आंखों में भी गई है, बहुत डस्टी आई है। पता नहीं अब कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कैमरे के ऊपर भी काफ़ी डस्ट है। इसकी एक शेप रखी थी ब्रिटिश सैंडमैन की, अच्छा उसकी मैंने ड्राई बकेट में की थी और ड्राई फ्लोर पे की, थोड़ी सी किया फ्लोर पे, ज़्यादा बकेट में की थी। मेरा दिल कह रहा था कि जो डस्ट है ना वो अच्छी तरह निकल के बाहर आए। और ये हो ब्रिटिश सैंडमैन फूट गया, एक ही शेप बची थी, फटा मुँह मेरा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वीडियो में देख लेना, टेंशन नहीं लेनी। ये चीज बस ये 3 वीडियोज रिकॉर्ड की हैं, अब इनकी बनेंगी शेप्स। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना रात को, वो मैंने खुद रिकॉर्ड की हुई थी, वो वाली अपलोड की थी, तो आप सब ने बड़ा खुशी का इजहार किया था, थैंक यू सो मच। हाय, मैंने कहा पता नहीं आप लोगों ने पहचानना भी है कि नहीं पहचानना, ये किसने किया है। अच्छा कल मैंने उस दिन वाले व्लॉग में मैंने रेड डर्ट का ट्यूटोरियल बताया था, ये भी साथ बताया था रेड डर्ट मिलती कहाँ से है, फिर भी मुझे बार बार कमेंट्स में यही पूछते हैं रेड डर्ट कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो ये जहाँ पर ब्रिक्स बनती हैं या जो सेल आउट करते हैं ना होलसेल मार्केट में, वहाँ से मिलेगी। जहाँ जिनके पास बल्क में इंटे होती हैं ना, उनसे आगे रीसेलर ये ले के जाते हैं, वहाँ से इजीली मिल जाती है। लेकिन वो न्यू ब्रिक्स की मिलती है, ओल्ड ब्रिक्स की मेरा ख्याल है जहाँ पे आपको वो मिलती है ना, उसे क्या कहते हैं, वो जब घर बना रहे होते हैं तो ज़मीन पे डालते हैं ना, फर्श पे, रोड़ी, वो उसमें उन्होंने ईंटें छोटी छोटी कुटी होती हैं, तो जहाँ पर से वो ईंटें मिलती है ना, क्योंकि उनके पास वो जो है ना छोटे छोटे हुए होते हैं ब्रिक्स के पीसेस, तो उसमें से जो पाउडर नीचे बैठ जाता है, मेरा ख्याल है वहाँ से भी मिल जाती है। जहाँ पे सेल आउट होती है वहाँ से तो पक्का ही मिलती है, और वहाँ से न्यू मिलती है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो सैंडी फॉर्म में होती है, वो चिपचिपी स्टिकी नहीं होती। ये जो हम खुद तैयार रेडी करते हैं ना, ये स्टिकी होती है, नो डाउट इसका पेस्ट अच्छा बनता है, क्रीमी सा बनता है, कलर भी अच्छा होता है, लेकिन उसमें जो लम्ब्स होते हैं ना वो जहर लगते हैं मुझे। हालांकि मैंने इसका 2-3 बार लिक्विड सेपरेट किया है, और इतनी बार लिक्विड सेपरेट करने के बाद कम ही हो गई है, लेकिन उसको असर कोई नहीं हुआ, डेढ़ की डेढ़ ही है। ये बनाने लगी हैं शेप्स और मैं जाने लगी नीचे। इनका दिल करेगा तो ये आगे वो लोग बना लें, शेप्स दिखा लें। टाटा बाय बाय, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मेरा काम इतना ही था, बाय बाय।